हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, आपका स्वागत है इस नए चमचमाते पॉडकास्ट के ऊपर जिसका नाम है एग्जैक्टली ऑपोजिट, और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त यारा जिगरा सखा रिदेश उर्फ वॉइस वन। तो आज के इस पॉडकास्ट का टॉपिक रहने वाला है द फोर्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया हैज अ वास्ट एंड रिच कल्चरल हिस्ट्री एंड मेनी फोर्ट्स ऑर्नामेंट दिस कंट्री वेरी ब्यूटिफुली। हमारे जो कंट्री है भारत, बहुत बड़ा देश है और इसके अंदर बहुत ज्यादा ही फोर्ट्स है, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्ट्स है, बहुत ज़्यादा कल्चरल हिस्ट्री है जो उनके अंदर समाई हुई है और हमें इन्हें मतलब एक्सप्लोर करना चाहिए। तो अगर फैक्ट्स की माने तो इंडिया में 1000 से भी ज़्यादा फोर्ट्स हैं और इन सारे ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स के ओनर है द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इट्स अ गवर्नमेंट बॉडी, इट्स रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिव ऑफ एक्सकेवेशंस, एक्सप्लोरेशंस एंड वेरियस हिस्टोरिकल research that is happening in our country. So talking about the size, the largest fort in India and Asia, it is the Chittorgarh fort. Yup, ye wahi fort hai jo Padmavat movie mein tha. It was built by the Mauryan empires of Sisodia and Gahlots aur ise renovate kiya gaya tha Maharana Kumbha ne jo 15th century mein unhone renovate kiya tha because he wanted to celebrate his win over Alauddin Khilji. The fort spans over 700 acres and is 560 feet tall from the sea level. Contrary to the Chittorgarh fort is the Madan Mahal fort, जो इंडिया का सबसे छोटा फोर्ट है, जो सिर्फ 25 acres of land में बना हुआ है, and it is 164 feet tall from sea level. It has been constructed by the Gond ruler Raja Madan Shah and comprises of many intriguing architectural wonders like hidden tunnels, balancing rocks, जो नक्शी काम है वॉल के ऊपर का, carvings on the wall and the watchtower. तो अगर एज की माने हम तो द ओल्डेस्ट फोर्ट इन इंडिया इट इज़ द कांगरा फोर्ट सिचुएटेड इन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। वो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट फोर्ट है और इसकी जो मतलब फोर्टिफिकेशंस की डिस्क्रिप्शन है ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के स्क्राइब्स में भी पाई जाती है। जो ये कांगरा फोर्ट है इसे बिल्ड किया था राजा धर्मचंद ने इन द 4th century, बहुत बहुत पुराना है भाई 4th century, कितने साल हो गए उसे। एंड इट्स अ रॉयल टेस्टमेंट स्पेड इन 463 एकर्स ऑफ लैंड विच इज 2405 फीट हायर देन द सी लेवल। जो ये फोर्ट था ये पहले बहुत ज़्यादा प्रेशियस था, इसके अंदर ट्रेजर्स मिले थे, बहुत ज़्यादा ज्वेल्स मिले थे, प्रेशियस मेटल्स मिले थे, प्रेशियस मॉडल्स मिले थे जिनके अंदर इंट्रिकेट वर्क्स किया था, बट नाउ इट पासेस डेज इन रूइंस बिकॉज ऑफ इट्स डिलैपिडेटेड कंडीशन, जो बहुत सैड है कंसिडरिंग इट्स अ इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। तो अभी थोड़ा रीजनल चले जाते हैं। आता अपन पाहणार आहोत महाराष्ट्रात स्थित असलेला हा भव्य दिव्य किल्ला ज्याला आपण रायगड या नावाने ओळखतो। द लार्जेस्ट अँड मोस्ट सिग्निफिकंट फोर्ट इन महाराष्ट्र इज द रायगड फोर्ट। इट वॉज वन्स द एपिसेंटर ऑफ मराठा एम्पायर। द राजगड और रायगड लिटरली मीनिंग राय दैट इज किंग एंड गड मीनिंग फोर्ट, रायगड किल्ला। It is the most secure fort in the region and tells stories of the glorious past the Maratha Empire had experienced. जो रायगढ़चा किल्ला होता, the Raigad Fort, it has been in control of various rulers, prominently Marathas, Britishers and the Nizams. It is spread in 1300 acres of land and is 2700 feet at its highest from the sea level. ये जो फोर्ट है रायगढ़ फोर्ट, ये एक बहुत ब्यूटिफुल सीनिक व्यू देता है सह्याद्री माउंटेन रेंजेस का। The fort was destroyed and looted by the Britishers in 1818. They took away many heritage items from the place, including the 40 kg Raj Sihasan, which is estimated to cost $2 million in current money. It was made up of pure gold and it had wood accents on it. जो इसकी images है वो मैं शायद इस episode के description में link कर दूँगा, so you can just check it out. और जो फेमस स्वॉर्ड थी जगदम्बा, जिसे छत्रपति शिवाजी ने बहुत सारी अपनी वॉर्स में यूज किया था, वो भी ब्रिटिशर्स लेके चले गए खुद के साथ। सो दीज ऑल आइटम्स दैट ब्रिटिशर्स टुक अवे फ्रॉम इंडिया, इट लाइज इन द इंडियन ट्रेजर सेक्शन ऑफ द ब्रिटिश म्यूजियम विच इज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ $45 trillion in current money.
From the windy scenic Sahyadris to the bustling city of Mumbai we go. In the present area of Fort Mumbai stood the Fort George, which was built in the Bombay Presidency. It was built by the British rule for enclosing the city boundaries and stood on a whopping 100,000 acres of land. It was demolished in 1869, but its parts are still found in Mumbai areas in smaller forts like the Dongri Fort, Dharavi, Bandra Fort, Masgaon Fort, etc. The original enclosures can still be seen in the St. George Hospital and the ramparts of naval dockyards. तो अभी हम आते हैं द मोस्ट डिफेंडेड द मोस्ट डिफेंस ओरिएंटेड फोर्ट ऑफ इंडिया विच इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट फोर्टिफिकेशंस दैट हैज़ बीन बिल्ट इन इंडिया. सो नाउ लीविंग द बस्टलिंग स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई लेट्स गो टू द हिली अप टेरेन्स ऑफ औरंगाबाद. यहाँ स्थित है देवगिरी का किला. द देवगिरी और दौलताबाद फोर्ट इज़ द मोस्ट डिफेंस ओरिएंटेड सिटेडल ऑफ इंडिया. It arose as an uptown to the Aurangabad prefecture in the 5th century. और इस fort को initially built किया गया था यादव king Bhilama the 5th ने 1087 इस year में. इसे later renovate करा गया था by Sultan Muhammad Tughlaq और इसे rename किया गया था to the city of Daulatabad. Muhammad bin Tughlaq का एक बहुत बड़ा ambitious project था इस fort के बारे में और उन्होंने पूरी दिल्ली सल्तनत को रिलोकेट कर दिया था टू डेक्कन. बट दिस डिसीजन वॉज रिवर्स ड्यू टू द बैरन लैंड ऑफ द फोर्ट एंड लैक ऑफ प्रॉपर वाटर रिसोर्सेज. लेटर द देवगिरी फोर्ट सर्व्ड एज द सबॉर्डिनेट कैपिटल ऑफ अहमदनगर सुल्तनत. और इसी टाइम पीरियड में है जब इसके अनकन्वेंशनल इनोवेटिव फोर्टिफिकेशंस का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था. द फोर्ट इज स्प्रेड अक्रॉस 242 एकर्स ऑफ लैंड एंड स्टैंड 656 फीट हाई फ्रॉम द सी लेवल. टॉकिंग अबाउट द डिफेंस ऑफ द देवगिरी फोर्ट वी हैव टू टॉक अबाउट इट्स थ्री डीप लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी कंसिस्टिंग ऑफ द काला कोट द मोस्ट इनर मोस्ट एंड द मोस्ट रोबस्ट लेयर द महाकोट विच इज द सेकेंडरी लेवल and the amber court consisting of the outer defenses it has. The only door this fort has is the Tang Darwaza, which is very dimly lit. Also, the enemy soldiers had to crawl through the exit, making it easier for defending soldiers to behead them as soon as they came out. Later, jo unki body thi use ek crocodile filled moat mein fek diya jata tha jo is fort ko surround karta hai. The Devgiri fort too had various mazes, false doors and fake flags to trick the rival forces. तो अगर हम अभी आगे आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें दिखता है एक केव जो बहुत ज़्यादा डार्क है. उसके अंदर एक ही लाइट का सोर्स है जो ऊपर से एक छोटे से होल से आता है. तो इसमें बहुत ज़्यादा जो एनिमी सोल्जर्स थे वो कंफ्यूज हो जाते थे एंड दे वे लाइक व्हाट कैन वी डू. सो दिस यूज टू बाय टाइम फॉर द किंग फोर्सेस टू पोर हॉट ऑयल और हॉट बॉइलिंग वाटर ऑन देम विच यूज टू किल देम. If anyone survived this attack, then they used to find two similar looking doors which led to each other and trick the enemies to split up and meet up to battle against each other only. ये जो दो दरवाजे थे वो सेम ही जगह पर आकर मिलते थे और एनिमी फोर्सेज को लगता था कि ये राजा के फोर्सेज एंड दे यूज टू किल ईच अदर ओनली. Even after so many obstacles, if the enemy had to reach the main chamber, the Kala Court, they had to pass a hot plate before entering it, which was heated at very high temperatures, which used to kill them instantly due to burns. एक अभी एक addition fact देता हूँ record करते करते like I remembered it. It was shared with me by my grandmother. मेरी नानी जी ने मुझे बताया कि जो दौलताबाद का किला है उसके अंदर तीन तोप है, तीन cannons हैं, जिसे हम किला शिकन, which is the fort breaker, दुर्गा and काला पहाड़ बुलाते हैं. और ये तीनों जो कैनन्स थे दे वे द मोस्ट पावरफुल कैनन्स औरंगजेब हैड एंड दे वे द मोस्ट पावरफुल कैनन्स विच हैड बीन बिल्ट इन इंडिया एंड दे वेर ऑल प्लेस्ड ऑन दिस फोर्ट एंड दे गार्डेड दिस फोर्ट 24/7. दस कैप्चरिंग दिस फोर्ट रिमेन ड्रीम फॉर मेनी रूलर्स. जो मराठास थे वो भी इस फोर्ट को जीत नहीं पाए थे. ये इतना पावरफुल फोर्ट था. इट वॉज रूल्ड फॉर लाइक सेंचुरीज बाय जस्ट वन डायनेस्टी और ये बहुत बहुत एपिक फोर्ट है. मैंने लाइक देखा नहीं है बट या आई हैव सीन मेनी डॉक्यूमेंट्रीज अबाउट इट एंड इट जस्ट लाइक लुक्स वेरी लाइक वेरी ब्यूटीफुल इन इट्स लैंडस्केप. सो
that's all I got for this episode, guys. Do like the episode, do subscribe to our channel, do follow the podcast on whichever platform that you are watching or listening it. So also mujhe aap comments mein zarur batayega कि इस सिमिलर कंटेंट पे, इस सिमिलर सीरीज पे मैं और एपिसोड्स डालूँ क्या, इन विच आई जस्ट एक्सप्लेन अबाउट फोर्ट्स, आई एक्सप्लेन अबाउट इंडियन हिस्ट्री, आई एक्सप्लेन अबाउट इंडियन माइथोलॉजी. सो दैट्स ऑल आई गॉट फॉर दिस एपिसोड गाइस. टिल नेक्स्ट टाइम, साइनिंग ऑफ वॉइस वन, पीस आउट, थैंक यू.